हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम लोग अगला डिसऑर्डर जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है मूड डिसऑर्डर्स। और मूड नाम से जैसे कि पता चल रहा है कि जब मूड चेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा और हमारे एक इमोशनल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मूड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसमें किस तरह के चेंजेस दिखते हैं, जैसे डिस्टर्ब मूड हो जाता है, बहुत डिस्टर्बेंस रहती है मूड में, या तो बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा खराब, और बहुत टाइम तक रहता है। एक नॉर्मल टाइम लोगों का जितनी देर रहता है उससे काफी ज्यादा लंबे समय तक अगर किसी का मूड चेंज रहे तो वो डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। प्रोलॉन्ग इमोशनल स्टेट होती है। प्रोलॉन्ग का मतलब यहाँ पे 2 दिन 4 दिन 1 महीना, मतलब उससे भी कहीं ज्यादा, जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं रह सकता है सेम मूड में इतनी ज्यादा देर तक। उस तरह के सिम्टम्स अगर नजर आते हैं किसी के मूड के चेंजेस में, और ऐसी चीजें जो कि एक लगे कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता, इवन इफ अगर उसका मूड खराब भी है या उसका मूड अच्छा भी है, वो इतना एक्सट्रीम नहीं बिहेव करता, तो वैसे सिम्टम्स जब होते हैं तो हम उसको मूड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसके अंदर इन्होंने 3 अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स को अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है, जबकि ये एक दूसरे के ही सब कैटेगरीज हैं। मतलब जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन के अंदर ही मेनिया और उसी के अंदर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर आ जाता है। एक दूसरे से सारे रिलेटेड है, जनरली एक साथ दिखते हैं। किसी एक पर्सन के अंदर ही अगर डिप्रेशन है तो हो सकता है उसमें हमें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर भी दिखे। किसी को बाइपोलर है तो उसके अंदर डिप्रेशन तो होगा ही। तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये। कभी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी पर्सन में सिंगल एक ही चीज नजर आ रही है, या फिर डिप्रेशन नहीं है, मेनिया है, मेनिया नहीं है, डिप्रेशन है, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये एक दूसरे से सारे डिसऑर्डर्स। तो अब इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मूड डिसऑर्डर्स में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, डिस्टर्ब मूड होता है, प्रोलॉन्ग इमोशनल स्टेट होती है, जो भी इमोशनल स्टेट हो, हैप्पी हो सैड हो, बहुत लंबे टाइम तक होती है। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक। डिस्टर्ब रहता है मूड बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस नहीं कर सकते, जो कि एक हम लोग जैसे हमारा मूड खराब होता है, अच्छा होता है, तो भी हम अपना रेगुलर जॉब कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने मूड के साथ। लेकिन ये जो लोग होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, इनका मूड जब अपसेट होता है या जो भी होता है, बहुत अच्छा हो या खराब हो, उसमें वो नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाते। वो उनका मूड का रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है उस टाइम। अब डिप्रेशन है, जैसे डिप्रेशन बहुत कॉमनली सब यूज करते हैं। जब भी कोई सैड हो जाता है तो बोलते हैं मैं बहुत डिप्रेस हूँ, जबकि सैडनेस और डिप्रेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सैडनेस एक फीलिंग है जो टेम्परेरीली रहती है बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो है उसकी वजह से, और वो बहुत टेम्परेरी फीलिंग होती है। उस सैडनेस के हमें रीजंस मिल जाते हैं उसको दूर करने के, हमारे कंट्रोल में होती है। डिप्रेशन जबकि एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा डीप और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते डिप्रेशन को। तो सैडनेस, हम जब परेशान हो जाते हैं या फिर हम बहुत दुखी होते हैं तो हम बोल देते हैं हम डिप्रेस हैं। जबकि अगर कोई खुद से अपने आप को, अपनी स्टेट को बता पा रहा है कि वो दुखी है और वो उसको कंट्रोल कर सकता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, तो वो डिप्रेशन नहीं कहेंगे, फिर वो जस्ट सैडनेस है। डिप्रेशन वो चीज होती है जहाँ पे जिसको डिप्रेशन है वो खुद से उस चीज को नहीं जज कर पा रहा कि वो डिप्रेस है, वो ऐसा एक्सप्रेस करता ही नहीं है कि वो डिप्रेस है। वो दूसरे लोग उसके सिम्टम्स देख के जज करते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, और जो डिप्रेस होता है उसके कंट्रोल में नहीं होता ये चीज बोलना या उसको दूर करना कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तो हम लोग सैडनेस और डिप्रेशन दोनों को ही बहुत ज्यादा सिनोनिमसली यूज करते हैं, जबकि सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। जो डिप्रेस लोग होते हैं, एक तो डिप्रेशन सिम्टम और डिसऑर्डर दोनों ही है, डिप्रेशन जो है ना सिम्टम भी है, इसमें जो चीजें हमें नजर आती है वो उसी चीज के सिम्टम्स भी है, और उसको ही हम डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अब इन लोगों में एक तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, किसी भी चीज में उनको अच्छा नहीं लगता, कोई भी उनके मनपसंद काम हो जाए, कोई भी, चाहे उनको मूवी देखना अच्छा लगता था पहले, लेकिन जब वो डिप्रेशन की स्टेट में उनको वो नहीं अच्छा लगेगा। उनको खाने में कोई चीज पहले पसंद थी, लेकिन जब वो डिप्रेस होते हैं तब उनको उस चीज में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा।
तो ज्यादातर एक्टिविटीज में, चाहे वो अच्छी एक्टिविटीज हो, प्लेजरेबल एक्टिविटीज हो, उनकी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज हो, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई भी चीज आप उनके सामने ले आओ, चेंज इन बॉडी वेट होगा बहुत ज्यादा। बॉडी वेट या तो बहुत कम हो जाएगा किसी का, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट भी चेंज हो जाती है। या तो वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं क्योंकि वो जज नहीं करते कि हम कितना खा रहे हैं, या फिर वो खाना छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। स्लीप प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नींद नहीं आती क्योंकि पूरा दिन वो एक तरह से पूरा दिन लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनकी बॉडी टायर्ड वैसे नहीं होती, फिजिकली थकती नहीं है क्योंकि वो कोई काम नहीं करते इस टाइम पे, डिप्रेशन के टाइम पे, क्योंकि काम करने की बॉडी में एक तरह से मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोग कभी भी काम करने के लिए उठते नहीं है, उनसे उठा नहीं जाता है। वो कहते हैं हम थके हुए हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, जबकि बॉडी थकी हुई नहीं होती, वो उसमें मोटिवेशन एकदम जीरो हो गई होती है। और इससे उनको लगता है कि शायद वो थके हुए हैं, उनको थकान की फीलिंग आती है और वो बॉडी थकी होती नहीं है, और इस वजह से फिर नींद भी नहीं आती। जब आपको, आप थकते हो तभी तो आपको अच्छी नींद आती है ना, तो टायर्डनेस वाली फीलिंग आती है, जबकि टायर्डनेस क्या होता है, डीमोटिवेशन हो गई होती है बिल्कुल ही। इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एकदम क्लियर नहीं सोच पाते कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों ऐसे बैठे हुए हैं इतनी देर तक सब कुछ छोड़ के। मतलब वो लॉजिकल थिंकिंग एकदम खत्म हो जाती है बिल्कुल ही, वो लॉजिकल सोचता ही नहीं है माइंड के वो क्या कर रहे हैं इतने दिनों से, क्यों ऐसे हैं, क्यों अपना बॉडी का लॉस कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं, ये सब चीजें दिमाग में बिल्कुल नहीं आती। और जो दिमाग में थॉट आता है वो आता है सुसाइड करने, या तो डेथ के बारे में, सुसाइड के बारे में यही सोचते रहते हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो ऐसे थॉट्स आते हैं सुसाइड के, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा अब, क्योंकि वो कुछ इस तरह के गोल्स अपनी लाइफ में रख लेते हैं जो अचीव नहीं हो सकते। कोई ना कोई ऐसे गोल होते हैं जो हम लोग कभी कभी नहीं अचीव कर पाते, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। अब सब चीजें जब हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पर डिपेंडेंट है, अगर वो ना चाहे कि कोई गोल आप उसके थ्रू अचीव कर पाओ, तो वो चीज आप नहीं कर पाते अचीव। तो इस तरह के गोल सेट करके फिर जब नहीं हो पाते अचीव, तो फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट करते हैं लोगों में। और फिर डिप्रेशन के बाद क्या होता है, फिर इस तरह के थॉट्स आते हैं सुसाइड के, डेथ के, क्योंकि एकदम होपलेस हो जाते हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको एक्चुअली यही लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता कोई भी। ठीक है, एक्सेसिव गिल्ट होता है अपने अंदर कि हमने इस तरह के टारगेट रखा क्यों, हमने अपने लिए ऐसा गोल क्यों रखा, अपने एक्सपेक्टेशन हमने इतनी क्यों बढ़ाई जो हमसे हो नहीं पाया। तो इस तरह से मतलब किसी ने उनको कुछ बोल दिया या किसी ने उनको धोखा दे दिया, इस तरह के मतलब हमने क्यों ऐसा स्टेप लिया, हमने क्यों किसी पर भरोसा किया, इस टाइप का गिल्ट हो जाता है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आ जाती है क्योंकि दूसरे बंदे से जब वो हो जा एक तरह से धोखा खा लेते हैं या टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं अपना, तो अपनी कैपेबिलिटी पे उनको डाउट हो जाता है, ऐसे लगता है उनको कि अब मतलब हम इस लायक नहीं है, इसका मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, वो एक ही पर्टिकुलर कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ऐसे नहीं है कि 10 तरह के इवेंट देखते हैं तब, एक होता है कोई एक पर्टिकुलर जिसको बहुत ज्यादा वो अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते थे और उस इवेंट की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो सिम्टम्स है, ये सभी डिसऑर्डर है डिप्रेशन का। फैक्टर प्री डिस्पोजिंग मतलब अगर पहले से ही किसी के अगर जीन्स में है, ठीक है, जैसे सेरोटोनिन होता है हार्मोन, हमने पढ़ा था, जो कि वो होता है हमारे को हैप्पी रखता है, लेकिन जेनेटिकली अगर किसी की हेरिडिटी में ही वो हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है उनके एंसेस्टर में, तो वो आगे फर्दर जनरेशन में भी कम होगा। तो जेनेटिकली भी कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन होने की जिनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिनके पेरेंट्स में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में ये सेरोटोनिन लेवल कम होते हैं, तो ये तो जेनेटिकली हो गया। अदरवाइज अगर जेनेटिकली ना हो तो एनवायरमेंटल फैक्टर से कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने कल्चर लिखा है, जैसे कई बार क्या होता है ना, किसी किसी कल्चर में सुसाइड को ही एक तरीके से सॉल्यूशन माना जाता है। अगर आप अपने लाइफ में, करियर में सक्सेसफुल नहीं हो, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तो जापनीज कल्चर में थोड़ा बहुत ऐसा माना गया है कि वहां पे माना जाता है कि अगर आप हार जाते हो अपनी लाइफ में, तो सुसाइड को ही वहां पे एक सॉल्यूशन मानते हैं।
तो कल्चर हो सकता है दूसरों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो आपके ऊपर, आपकी खुद की बहुत ज्यादा हो, आपने ऐसे एक्सपेक्टेशन रख ली जो पूरी नहीं हो सकती और बहुत ज्यादा हाई होप्स लेके आप चले थे और कुछ नहीं हो पाया, और गोल्स ऐसे सेट कर लिए, टारगेट ऐसे सेट कर लिए, टारगेट्स जो नहीं अचीव कर पाए, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं अगर जेनेटिकली नहीं है तो। ज्यादा जेंडर कौन सा होता है जिसको डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं? वुमेन को ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि मे बी इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल कह सकते हो आप, तो वुमेन को ज्यादा चांसेस होते हैं यंग एडल्टहुड में, ज्यादा एज जो है यंग एडल्टहुड उसमें, और मेन को मिडल एडल्टहुड में ज्यादा चांसेस होते हैं। मिडल मतलब कि ये आपका हो गया 42-60 ईयर्स हो गया मिडल एडल्टहुड, तो उस बीच में ज्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन के। लेकिन दोनों जेंडर को अगर कंपेयर करें तो वुमेन में ज्यादा आपको केसेस मिलेंगे डिप्रेशन के। फिर इसमें मेनिया दूसरी चीज है। मेनिया में क्या होता है, आपका मूड चेंज बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली होता है, तो अगर बहुत ज्यादा यूफोरिक मूड है, यूफोरिक मतलब बहुत हैप्पी बहुत ज्यादा ओवरली हैप्पी, हाई एक्सट्रीमली एक्टिव, कोई बहुत एक्टिवली बिहेव करे सडनली, मतलब हमेशा नहीं, सडनली कोई नॉर्मल बैठा है और एकदम से उसको मेनिया का अटैक आ जाए, वो बहुत हैप्पी बिहेव करे, बहुत एक्टिव हो जाए, बोलने लग जाए बहुत ज्यादा लगातार क्योंकि वो नॉर्मली नहीं बोलता, और इजीली डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, और बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर फिजिटिंग करना, मतलब बहुत जल्दी से इधर उधर ध्यान जाना उसका। फिर यूजुअली अल्टरनेट विद बाइपोलर मूड, जो मेनिया का अटैक होता है ना वो यूजुअली बाइपोलर के साथ आता है। बाइपोलर का मतलब है दो एक्सट्रीम पोल, एक इस साइड और एक इस साइड, तो एक तरफ तो मेनिया होता है, दूसरी तरफ होता है डिप्रेशन। तो जब मेनिया का अटैक पड़ता है किसी को तो वो थोड़े टाइम के लिए इतना ज्यादा खुश हो जाता है, इतना हैप्पी हो जाता है कि उसको लगता है कि बस वो अब तो सब कुछ कर सकता है, जो उसको चाहिए वो सब कर लेगा, वो सब अचीव कर लेगा, और वो बहुत बोलने लगता है, बहुत एक्साइट हो जाता है। जैसे हम लोग कई बार कोई अच्छी चीज सुन के, अपना अच्छा रिजल्ट सुन के, कोई भी अच्छी चीज सुन के एकदम थोड़े टाइम के लिए बहुत ज्यादा हम एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत टाइम तक इस तरीके से बिहेव कर रहा है, नॉर्मली अपना जॉब नहीं कर पा रहा है, अपना कोई काम नहीं कर पा रहा है, बस इतना ज्यादा अपने मूड के कंट्रोल में हो गया है कि उससे कुछ हो नहीं रहा, तो वह मेनिया हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, बाइपोलर साथ में होगा, तो बाइपोलर में क्या होगा, जब वो मेनिया का उसका अटैक खत्म होगा थोड़ी देर बाद उसको डिप्रेशन, और डिप्रेशन में फिर वो बहुत ज्यादा लो मूड हो जाएगा, फिर ये वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे दोबारा से। तो बाइपोलर इसलिए बोलते हैं कि दो पोल्स हैं अलग अलग, एक तरफ है मेनिया है, एक तरफ है डिप्रेशन, मतलब एक तरफ बहुत हैप्पी एक तरफ बहुत उदास। मोस्टली फाउंड इन टीनेजर्स में बहुत ज्यादा देखा गया बाइपोलर, क्योंकि उनके में मूड स्विंग वाली जो होती है जेनेटिकली बहुत पहले से ही होती है टीनेज में, उनका मूड बहुत जल्दी चेंज होता है उस एज में। दूसरा यंग एडल्ट में भी देखा गया, यंग एडल्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि मिडल होता है 40-60, यंग होता है 21-40 ईयर्स, तो जस्ट एक एडोलेसेंस के बाद वाली जो एज होती है, तो इस टाइम तक देखा गया बाइपोलर ज्यादा होता है। और या फिर और कहां दिखेगा बाइपोलर, जो 70 ईयर्स के ऊपर अगर कोई बहुत ज्यादा ओल्ड एज में है तो उसमें भी देखा गया बाइपोलर। तो मतलब बाइपोलर में कैसे होता है कि 6 महीने तो कोई इंसान बहुत खुश रहेगा, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा, आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानेगा, मतलब हमेशा खुश रहेगा चाहे कुछ भी बोल दो, और अगले साल के 6 महीने में वो डिप्रेशन में रहेगा, तो इस तरह का बिहेवियर होता है। अब इसमें मैंने ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करी है, जैसे मान लो ये नॉर्मल मूड है हमारा, नॉर्मल मूड हमारा इस तरफ डिप्रेशन है, इस तरफ मेनिया, मतलब इधर हैप्पी है इधर सैड। नॉर्मल मूड में हमारा ऐसे चलता है, जो लोग थोड़े से ज्यादा हैप्पी नेचर के होते हैं उनका ऊपर की तरफ चलता है मूड, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ज्यादातर वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। जो लोग थोड़े से सैड नेचर के होते हैं तो वो उनका भी मूड नॉर्मल ऐसे होता रहता है, कभी हैप्पी कभी सैड, लेकिन वो सैडनेस ज्यादा लेते हैं। लेकिन मेनिया और डिप्रेशन में ऐसे चलता है, कितना बड़ा ग्राफ चलेगा मेनिया और डिप्रेशन में। बाइपोलर मान लो, जिसको बाइपोलर है तो मेनिया, उसको एक बार तो अटैक आएगा मेनिया का, 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक वो मेनिया के अटैक में रहेगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो बहुत उसको लगेगा मेरे पास सुपर पावर्स आ गई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो चाहे बिल्डिंग से भी कूद जाएगा ये सोच के मैं बच जाऊंगा, तो अनबिलीवेबल चीजें करेंगे जो कि मतलब एक नॉर्मल तो करेगा ही नहीं इंसान चाहे वो कितना भी खुश हो। बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, सारा अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे ये सोच के कि अब मैं ही जीतूंगा, मेरा पैसा मेरे को,
बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो, अगर मैंने जंप कर दिया तो क्या होगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते, इतने खुश होते हैं कि जो उनके इंपल्सिव एक्ट करते हैं, जो उनके मन में आप बोलते हैं। फिर क्या होगा, जब ये अटैक खत्म होगा 6 महीने बाद डिप्रेशन मूड होगा, 2 हफ्ते से 6 महीने का टाइम हो सकता है। डिप्रेशन मूड में जाएंगे तो विड्रॉल एकदम, बात करना बंद कर दिया, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कमरे में बंद हो गए, वायलेंट एक्शंस, वायलेंट मारना, अपने आप को मारना, दूसरों को मारना, उसके बाद अल्कोहल अब्यूज करेंगे, शराब पीना शुरू कर देंगे, परसिस्टेंट बोर्डम, हमेशा बोरियत उनको लगेगी, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा जो हमने वहां पे देखे थे, और नो कॉन्सेंट्रेशन अगेन, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगी, यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। ईटिंग हैबिट्स चेंज होने लग जाएंगी, या तो बिल्कुल खाना बंद हो जाएगा या बहुत ज्यादा, जनरली यहाँ पे ज्यादा खाते हैं एक्साइटमेंट के चक्कर में, और यहाँ पे खाना बंद कर देते हैं, जनरली ऐसा देखा गया। तो ये चीज आपको दिखाती है कि बाइपोलर कैसे काम करता है। और अगर खाली डिप्रेशन की बात करें तो वो सिर्फ ये वाला एरिया है, और सिर्फ मेनियाक की बात करें तो वो सिर्फ ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पे ये आपका मूड डिसऑर्डर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।